यशोधरा पोलीस स्टेशन अंतर्गत लांबा सेलिब्रेशन मध्ये फिर्यादीच्या मुलाचे लग्न होते। लग्न समारंभादरम्यान महिला चोरट्याने डाव साधत फिर्यादीच्या पर्सवर हात साफ केला। पर्स मधील एकूण 7,90,000 मुद्देमाल होता। अज्ञात आरोपी विरोधात यशोधरा पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा नोंदविला असून पुढील तपास पोलीस करीत आहे। हलवा हलवी जमातीवर अत्याचाराच्या विरोधात नागपुरात 30 नोव्हेंबर पासून बेमुदत साखळी उपोषण सुरुवात झाली असून उपोषण गोळीबार चौक येथे पुकारण्यात आले आहे। राष्ट्रीय आदिम कृती समितीतर्फे पुकारण्यात आलेल्या साखळी उपोषणास्थळी जाऊन आज आफ्रो संघटनेद्वारे या आंदोलनाला समर्थन देण्यात आलं। फिर्यादीच्या मुलाचे लग्न लांबा सेलिब्रेशन मध्ये असल्याने परिवारासोबत त्या तिथे आल्या होत्या। फिर्यादी यांनी त्यांच्या जवळील बॅगमधील पर्समध्ये सोन्याचे दागिने, हिऱ्याचे दागिने, 1,00,000 रुपये रोख रक्कम, रेडमी कंपनीचा फोन, गेस्टनी दिलेले काही इन्व्हलप्स ठेवलेले होते। अज्ञात आरोपीने फिर्यादीची नजर चुकून फिर्यादीच्या बॅगमधील पर्समध्ये ठेवलेले एकूण 7,90,000 रुपयाचा मुद्देमाल चोरून नेला। फिर्यादीच्या तक्रारीवरून यशोधरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला असून पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहे। लांबा सेलिब्रेशन के जो फॅमिली थी शिंगारी उनकी शादी थी लड़के की, वहां पर करीबन दोपहर को 3 बजे के दरमियान में दो संशयित महिला और एक छोटा बच्चा उनके पर्स लेकर चले गए थे। एक पर्स में करीबन 7,90,000 रुपये का कीमती मुद्देमाल था। उसमें एक डायमंड सेट था और सोने के गहने थे और कुछ गिफ्ट आए हुए इन्वेलप थे, उसमें कैश थी। ऐसा कुल मिलाकर 7,90,000 का मुद्देमाल चोरी हो गया है। पुलिस थाने यशोधरा की टीम ने वहां पर तुरंत जाके विजिट किया है, FIR रजिस्टर किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार और प्राप्त वाहक के फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू है। जल्द से जल्द आरोपी को अरेस्ट करने के हमारे पूरे प्रयास शुरू है।